हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे बेटा, घर पे रह रहे होंगे सभी। चलो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, सेंटर ऑफ मास में। जैसा हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स हम ऑनलाइन क्लास में कर चुके हैं। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं बेटा पावर एसोसिएटेड विद रोटेशनल मोशन कह सकते हो या पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क भी कह सकते हो। तो पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क देखो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क, ये पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा आज हम नया एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में पढ़ेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी पढ़ लेंगे और अगर टाइम रहा तो हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी करेंगे इसको। तो आज के टॉपिक्स ये रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में बेटा ये टॉपिक्स हम करेंगे, पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एंगुलर मोमेंटम को पढ़ेंगे और पोलर कोऑर्डिनेट्स में एंगुलर मोमेंटम को पढ़ेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट विद द पावर एसोसिएटेड विद द टॉर्क। देखिए स्टूडेंट, सिंपली हम लिख सकते हैं भाई वर्क के लिए फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू टो इंटू डी थीटा लिख सकते हैं। टो इंटू डी थीटा ये आया कहां से, कैसे लिखा? तो सिंपली देखो बेटा, आप पढ़ के आए हो फोर्स, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। पर जो ही हम ये वर्क अगर रोटेशनल की बात करें तो फोर्स भी रोटेशनल वाला आ जाएगा, और रोटेशनल वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? टॉर्क होता है। तो टॉर्क हमने रिप्रेजेंट कर लिया है यहाँ पे, और डीएक्स क्या हो गया? डी थीटा। क्लियर हो गया? डीएक्स यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आपका क्या आ जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सिंपल वे से हम चल रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को दोनों तरफ डीटी से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डीटी। डीटी से जो ही डिवाइड करेंगे तो देखिए यहां पे डीडब्ल्यू बाय डीटी इज इक्वल टू टो इंटू डी थीटा बाय डीटी। What is dW by dt? Rate of doing work. Rate of doing work is called power. तो ये होगी power is equal to tau into d theta by dt। बेटा अभी तक हमने कई बार बताया है, जब equations को हम derive कर रहे थे तब भी बताया था d theta by dt क्या होता है? Omega। तो power का formula हो जाएगा torque की form में p is equal to tau into omega। Students एक बार याद कर लो, मैंने एक formula आपको बताया था बेटा f into v। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी बताया था आपने, एक दो न्यूमेरिकल भी किया था इसके ऊपर। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये तो बात होगी लीनियर की केस की, लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर रहे हैं हम। आगे समझ में, ये तो ट्रांसलेटरी मोशन की बात। रोटेटरी की बात करोगे तो पावर इज इक्वल टू, देखो फोर्स की जगह पे तो टॉर्क आ गया और लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या आ गई? एंगुलर वेलोसिटी। ये केस हो गया आपका रोटेशनल में, ये केस हो गया लीनियर में। बात ध्यान रखें, बिल्कुल सिंपल है। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया? टो इंटू ओमेगा। जैसे एक एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल मैं देख के रखता हूँ। एक रोटर है और वो रोटर भाई आपका 200 पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है। रोटर है, ये रोटर रोटेटिंग विद 200 पर सेकंड, 200 पर सेकंड यानी कि एंगुलर स्पीड दे दी 200 साइकिल एक सेकंड में कर लेता है एंड जेनरेट 180 न्यूटन मीटर टॉर्क। इतना टॉर्क जनरेट करता है। फाइंड द पावर ऑफ इंजन, फाइंड द पावर ऑफ इंजन। तो जैसे ये इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है छोटा सा। तो पावर किसके बराबर होती है बेटा? आपको पता है टो इंटू ओमेगा। तो पावर इज इक्वल टू टो 180 इंटू ओमेगा क्या है? 200। कोई चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, मीटर पर सेकंड वगैरह ये सीधा है अपना एसआई सिस्टम में है। 36,000 तो आप लिख सकते हो 36,000 किलोवाट। तो जैसे आप कार वगैरह के इंजन की बात करते हो ना, अगर मान लो आपके पास टॉर्क जनरेट है भाई, टॉर्क मान लिया वो 120 का देता है और वो कितने आरपीएम? 6000 कर लेता है, 4000 उसको उससे मल्टीप्लाई कर लो, वो किलोवाट में आ जाएगा। 746 से डिवाइड कर दो, वो हाफ पावर में आ जाती है। तो आपकी जो कार की इंजन या कोई भी मोटर होती है वो हाफ पावर में गिवन होती है। तो हाफ पावर में 746 से डिवाइड करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में आपको पावर वाला टॉपिक बेटा क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं आप। एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेते हैं।
एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, पहले तो हम यहां से बात कर लेते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट हो रही होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट हो रही है, तो वो किसके बराबर होती है, वो होती है बेटा आर क्रॉस पी के। किसके बराबर होती है, आर क्रॉस पी के। आर क्रॉस एफ क्या था, टॉर्क था, आर क्रॉस पी क्या आ गया, पी यहां पे आपका क्या है, लीनियर मोमेंटम, और आर आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। या हम इसको लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा एन के, आर पी साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को जब ओपन करते हो तो साइन लगेगा, आर पी साइन थीटा एन के, तो आर पी साइन थीटा, ये तो सीधा एंगुलर मोमेंटम किसकी क्रम में चला गया, पोलर कोऑर्डिनेट्स की क्रम में, पर हम ड्राइव करके बता देंगे कि कैसे आता पोलर कोऑर्डिनेट। तो फर्स्टली हम इसको किस में कर लेते बेटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ लिया, मैं डेफिनेशन आप लिख भी सकते हो बेटा, जैसे ही लिखोगे इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं एंड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, तो ये तो बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसको किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो पहला जो मेन क्वेश्चन बन जाता है वो यही बन जाता है कि एक्सप्लेन एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए अब देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम इसको पढ़ते हैं कि क्या बनेगा हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स आपको पता है एक्स वाई जेड, तो मैं यहां इसका डेरिवेशन जो ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, ये डेरिवेशन टॉर्क से स्टार्ट कर लेते बेटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, जेड एक्सिस में एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, कुछ ऐसा ही था, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। चलिए वी नो दैट एफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, dpx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ। क्या मैं fy को ये लिख सकता हूं dpy by dt, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा d by dt ऑफ mvx, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं d by dt ऑफ mvy, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऑपरेट कर लो ये वैल्यूज। तो दिस विल इंप्लाइज टो इज इक्वल टू x एफ वाई की जगह पे क्या रखा, d बाय डी टी ऑफ एम वी वाई माइनस y एफ एक्स की जगह पे क्या रख दिया, d बाय डी टी ऑफ एम वी एक्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब एम वी वाई ये हो गया माइनस ऑफ y mvx बन गया, ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, या फिर ऐसा करें हम तो टॉर्क इज इक्वल टू x को अंदर लेके चलें भाई, x को अंदर लेके चलें एक बार, d by dt into m vy x एम वी वाई माइनस डी बाई डी टी ऑफ वाई एम वी एक्स। डी बाई डी टी बाहर निकाल लो, कॉमन लेके कह सकते हो आप, कॉमन लेने, ये क्या बन गया x एम वी वाई माइनस वाई एम वी एक्स, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, टो इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स, ये तो वापिस पी वाई बना के देख लो, पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अब इस इक्वेशन से देखिए आप क्या बन गया, टो इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, क्या मैं इसको एल मान लू, इस टर्म को एल मान लेता हूं, ये भी जेड में है तो ये भी जेड में ही बन गया, टो इज इक्वल टू क्या बन गया डीएल बाय डी टी, वेयर ये ध्यान रखें वेयर एल इज इक्वल टू क्या आ गया एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अब जो ये इक्वेशन आई है बेटा, ये इक्वेशन आपकी क्या है, एंगुलर मोमेंटम इन
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जैसे देखो टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या था, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स है। सिमिलरली यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, जेड के अलोंग और टो इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। अब यहाँ बिल्कुल सेम डेरिवेशन बनता है किसका, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। पोलर कोऑर्डिनेट्स में तो खैर हम बाद में बात करेंगे। तो लीनियर कोऑर्डिनेट्स या हम कहें कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एंगुलर मोमेंटम अपना क्या आ गया, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये तो आ गया जेड के अलोंग, ये आ गया किसके अलोंग, जेड के अलोंग। अब मैं बात करूं अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई वाई के अलोंग क्या होगा, एक्स के अलोंग क्या होगा, तो वो इक्वेशन आप बिल्कुल खुद अपनी तरफ से बना सकते हो। अगर एल एक्स की बात करें तो मैंने बताया था बेटा ये रिस्पेक्टिवली पैटर्न में रहते हैं, एक्स के बाद क्या आएगा वाई, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। फिर एल वाई की लिख सकते हो, वाई के बाद क्या आता है जेड, जेड पी एक्स एक्स पी जेड। तो ये वैल्यूज आप याद रखना, एल एक्स एल वाई और एल जेड आपके रिस्पेक्टिवली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेशन हो जाएंगे बेटा एंगुलर मोमेंटम के। क्लियर होगी बात। हाँ एक बात और सुन लीजिए, अगर मैं ये कहूं कि किसी भी सिस्टम के लिए टॉर्क की वैल्यू फॉर एनी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इफ टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाए जीरो, टॉर्क जीरो हो जाए तो डीएल बाई डी टी क्या बन गया, जीरो के बराबर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो कब हो सकता है, जब वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, तो एयर एल बिकम्स कॉन्स्टेंट। तो L कांस्टेंट हो जाएगा भाई जब टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाए। तो इम्पोर्टेंट नोट है ये, नोट कर लेना बेटा इम्पोर्टेंट, फॉर एनी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट अगर टॉर्क की वैल्यू जीरो है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम हो वो क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है। अगर टॉर्क की वैल्यू क्या है जीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या बन जाता है, कांस्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्लेन कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स तो सिंपल ही है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आया है, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। पी एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हो भाई, वापिस वो एक डायग्राम बनाता हूं मैं, बिल्कुल आप डायग्राम बना करके सोच सकते हैं। ये इस तरफ आपका मान लिया पी है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल थीटा एंड दिस एंगल इज फाई, सो दिस इज ऑल्सो फाई। यहां से इसको आप आगे लेकर के परपेंडिकुलर बना सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री ये फिगर बना हुआ है बेटा आपका, और यहाँ पे ये आपका P है, तो P का इधर कौन सा चला गया, ये P cos अल्फा, यानी कि पी एक्स की वैल्यू तो क्या होगी P cos अल्फा। पी वाई वर्टिकल में कौन सा चला गया, पी वाई इज इक्वल टू पी साइन अल्फा। और ये R है यहां से यहां तक बेटा, तो R का देखो X के अलोंग कौन सा चला गया, थीटा को लगता पार्ट, तो R इज X इज इक्वल टू आर कोस थीटा, और वर्टिकल में कौन सा चला गया, R का कंपोनेंट साइन वाला, Y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये चारों वैल्यूज अब आप ऑपरेट करो इस इक्वेशन में, चारों वैल्यूज ऑपरेट करोगे तो L इज इक्वल टू देखो X की जगह पे क्या रखना है, आर कोस थीटा, पी वाई की जगह पे पी साइन अल्फा, माइनस वाई की जगह पे आर साइन थीटा, इंटू पी एक्स की जगह पे क्या है पी कोस अल्फा। बिल्कुल सिंपल है, इजी टर्म्स चल रही हैं। तो यहां से आर पी आपका कॉमन हो गया, अंदर क्या बच गया, कोस थीटा साइन अल्फा माइनस साइन थीटा कोस अल्फा। तो ये आइडेंटिटी बन गई भाई, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, क्या आइडेंटिटी बनती थी वो, आर पी इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा। एल आ गया साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा, देखो इस ट्रेंगल से, ये वाली ट्रेंगल दो इंटीरियर एंगल का सम क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा के बराबर। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से, अल्फा माइनस थीटा, फाई की वैल्यू ऑपरेट कर दो, एल इज इक्वल टू क्या आ गया, आर पी साइन ऑफ फाई। यही मैंने बोला था कि ये आपका किस में है एक्सप्रेशन, पोलर कोऑर्डिनेट्स में, आर पी साइन ऑफ फाई। कुछ इसी वे से हमने ऑनलाइन क्लास में एंगुलर टॉर्क का एक्सप्रेशन पढ़ा था बेटा, टो इज इक्वल टू वहां पे क्या आया था, आर एफ साइन फाई आया था, एल यहाँ पे क्या आ गया, आर पी साइन ऑफ फाई। तो ये एक्सप्रेशन इन द पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के मेरे ख्याल में आप सभी को क्लियर हो गए हैं। और इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है सेंटर ऑफ मास यानी कि फिफ्थ यूनिट का फर्स्ट पार्ट वो भी कंप्लीट हो जाता है बेटा।
ठीक है, इसको पढ़ो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।